वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं पिछले क्लास में आप लोग को होमवर्क दी थी, आप लोग बना लिए होंगे। मैं ऐसे अभी इस क्लास में बना रही हूँ, आप अपना होमवर्क चेक कर लें। झारखंड के चीफ मिनिस्टर, झारखंड नॉन लिविंग थिंग्स है इसलिए इसको आप पहले लिखें, द चीफ मिनिस्टर ऑफ झारखंड। किया था हैड ऑर्गेनाइज्ड, क्या ऑर्गेनाइज्ड किया था? ट्रेड फेयर। ए ट्रेड फेयर, ये प्रॉपर नाउन है इसलिए आप इसके फर्स्ट लेटर को कैपिटल लिखें, आप इन्वर्टेड कॉमा में भी डाल सकते हैं। प्लेस है इन रांची, इन 2019 बहुत राज्य के शॉपकीपर्स, ये फिर नॉन लिविंग थिंग्स है। आप पहले द शॉपकीपर्स ऑफ मेनी स्टेट्स हेल्ड शॉप्स इन दिस फेयर, हैड हैड सॉरी लगाए थे, हैड हेल्ड 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 इन दिस फेयर। मैं यह मेला देखने नहीं गया था, आई डिडंट हैव या हैड नॉट गॉन टू, गॉन नहीं गया था, टू वॉच वॉच या टू सी दिस फेयर। या दैट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं आप। क्या तुम लोग गए थे? आप डिड से बना लें, डिड यू हैव गॉन, वर्ब थ्री लिखें, टू वॉच द फेयर। ये आप अपना होमवर्क चेक कर लें, ओके? हाँ, तो आपने अपना होमवर्क चेक कर लिया। अब देखिए, अब मैं आज पास्ट परफेक्ट टेंस में व्हेन, आफ्टर एंड बिफोर का यूज बताऊंगी कि कैसे पास्ट परफेक्ट टेंस के साथ व्हेन, आफ्टर और बिफोर का यूज किया जाता है। व्हेन का अर्थ है जब, व्हेन का अर्थ है जब, आफ्टर का अर्थ है के बाद में, के बाद, और बिफोर का अर्थ है के पहले। ठीक है, अब देखिए पहले जब से सेंटेंस बनाना सीखते हैं। जब मैं, पहले हम जब का यूज सीखते हैं। जब मैं घर गया था, जब मैं घर गया था, मेरी माँ वहीं पर थी, वहीं पर थी। देखिए, जब का यूज पास्ट परफेक्ट टेंस के साथ हुआ। मैं बताऊंगी जब का यूज पास्ट इनडिफिनिट में भी कैसे होगा, जब का यूज पास्ट कंटिन्यूअस में भी कैसे हुआ। अभी मैं पास्ट परफेक्ट में बता रही हूँ इसलिए मैं इसके बारे में ही आपको पहले डिस्कस करती हूँ। तो देखिए, ये जब जो है वो परफेक्ट के साथ जुड़ा हुआ है। तो पहले आप इस सेंटेंस को बना लें कि व्हेन आई
गया था, had gone to home, my mother was there, आप इस तरह से, मैं इसको इरेज करके यहां लिख देती हूं, ये दो सेंटेंस है, एक ये और एक ये। आप चाहें तो पहले सेंटेंस को भी इधर बना सकते हैं, इसको भी इधर बना सकते हैं, ऐसे भी आप लिख सकते हैं। माय मदर वॉज देयर, When I had gone to home, आप इस सेंटेंस को ऐसे भी बना सकते हैं। ये तो हुआ जब, एक्चुअली जब पास्ट इंडेफिनिट के साथ भी लगा सकते हो कि जब मैं गया, ऐसे भी सेंटेंस में when का आप यूज कर सकते हैं। पास्ट इंडेफिनिट के साथ भी when का यूज होता है, पर मैं when और while उस एक साथ उसको बताऊंगी कि किस तरह दोनों में फर्क है, जबकि दोनों का अर्थ जब है, पर दोनों के का यूज में फर्क है कि आप कैसे दोनों का यूज करोगे। ओके, पहले मैं इसको बताती हूँ। आफ्टर और बिफोर से जो सेंटेंस है उसको, ये तो एक सिंपल when से मैंने पास्ट परफेक्ट टेंस के सेंटेंस को जोड़ दिया। ओके, आप इसको कॉपी कर लो। अब मैं यूज ऑफ आफ्टर एंड बिफोर बता रही हूं। इसका एक स्ट्रक्चर भी है ना, इसका आप एक स्ट्रक्चर भी है कि किस तरह से आप स्ट्रक्चर को बनाएं। सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब थ्री प्लस बिफोर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब टू प्लस ऑब्जेक्ट, एक ये एक स्ट्रक्चर है। एक आफ्टर से स्ट्रक्चर बनाते हैं, सब्जेक्ट प्लस वर्ब टू प्लस ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का रहना कोई जरूरी नहीं है, आफ्टर प्लस सब्जेक्ट प्लस Had plus verb 3. देखिए, actually जो past perfect tense है वो tense को आप कभी कभी past indefinite में भी past perfect का sense आ जाता है, जैसे मैं वहां गया या मैं वहां गया था। अगर आप इसको इंग्लिश में बोलें तो आई वेंट देयर भी चलेगा, आई हैड गॉन देयर भी चलेगा, लेकिन जब दो सेंटेंस इस तरह से जुड़े हुए होते हैं कि जब मैं वहां पहुंचा वह सो गया था, या जब ट्रेन स्टेशन पर पहुंची, चाहे जब मैं स्टेशन पर पहुंचा ट्रेन खुल गई थी, तो एक्चुअली पास्ट परफेक्ट का यूज जो है ऐसे ही सेंटेंस को लिंक करने के लिए किया जाता है। जब दो सेंटेंस एक पास्ट इंडेफिनिट में हो और दूसरा पास्ट परफेक्ट में हो, एक्चुअली उस समय हमको डिफरेंशिएट करना पड़ता है कि कौन पास्ट इंडेफिनिट में है और कौन पास्ट परफेक्ट में है। बेसिकली पास्ट परफेक्ट जो है वैसे ही सेंटेंस के लिए यूज किए जाते हैं। अदरवाइज जब सिंपल सिंगल सेंटेंस होता है विदाउट क्लाउज का, एक सिंपल सेंटेंस होता है, उसमें कोई जरूरी नहीं है कि पास्ट पर मैंने पत्र लिखा या मैंने पत्र लिखा था। अगर एक सिंगल सेंटेंस है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप उसको पास्ट इंडेफिनिट में बना सकते हो।
लेकिन आपके पत्र लिखने के पहले वो वहीं पर था। इसमें दो सेंटेंस कि आपके पत्र लिखने के पहले मैं वहीं पर था, तो मैं वहीं पर था ये पास्ट परफेक्ट हो गया। और आपके पत्र लिखने के पहले मतलब आपका पत्र का लिखना और उसके पहले, तो जो बाद में काम हुआ वो और उसके पहले का काम दो अलग अलग काम है और दोनों का टेंस अलग अलग है। तो आपको ये समझना होगा कि कौन किस टेंस में है और उसी के अनुसार आपको सेंटेंस बनाना होगा। देखिए मैं इस पर बेस्ड आपको सेंटेंस दिखाकर बनाकर बताती हूँ कि किस तरह के सेंटेंस बिफोर से कनेक्ट होंगे और किस तरह के सेंटेंस आफ्टर से। पर ये ध्यान में रहे, कंपटीशन में कभी कभी क्या होता है कि ये शुरू में ही लिखा हुआ रहता है। बिफोर से जो सेंटेंस मैंने किया वो सेंटेंस शुरू में ही रहता है और ये बाद में। तो आपको क्या चेक करना है, आपको चेक हमेशा ये याद रखना होगा कि बिफोर से जो सेंटेंस कनेक्टेड है वो हमेशा पास्ट इंडेफिनिट में होगा। ये पास्ट इंडेफिनिट है, ये चाहे सेंटेंस के शुरू में हो या सेंटेंस के बाद में हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हो सकता है कि कोई कोई सेंटेंस बिफोर से ही शुरू हो जाए, तो इस समय ध्यान में रखना होगा कि अगर ये पास्ट परफेक्ट में है तो ये पास्ट इंडेफिनिट में ही होगा, ये पास्ट परफेक्ट है। अब इसमें देखिए आप, आफ्टर से जुड़ा हुआ सेंटेंस हमेशा पास्ट परफेक्ट में होगा, चाहे ये सेंटेंस के शुरू में ही क्यों ना हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कभी कभी हम रिवर्स करके, जैसे मैंने पहला सेंटेंस उस सेंटेंस को इधर में कर दिया, क्योंकि एक दो क्लाउजेस हैं, दो क्लाउजेस को आप आफ्टर और बिफोर से जोड़ के एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना रहे हो। तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस मतलब दो या दो से अधिक सेंटेंस जुड़ा हुआ है किसी लिंकर के साथ, वो कॉम्प्लेक्स है। तो पास्ट परफेक्ट का यूज बेसिकली उसी के लिए, सिंपल सेंटेंस तो आप पास्ट इंडेफिनिट में भी, मैं बोल रही हूँ कि आप बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये देखिए ये पास्ट इंडेफिनिट है, तो आप हमेशा ये ध्यान रखें कि परफेक्ट अगर दो सेंटेंस एक पास्ट इंडेफिनिट और एक पास्ट परफेक्ट के साथ जुड़ा हुआ हो, तो आफ्टर के बाद आफ्टर से जो सेंटेंस कनेक्टेड हो वो हमेशा पास्ट परफेक्ट में होगा और जो रेस्ट ऑफ द सेंटेंस है वो पास्ट इंडेफिनिट में होगा, और बिफोर से जो कनेक्टेड सेंटेंस हो वो पास्ट इंडेफिनिट में होगा और रेस्ट ऑफ द सेंटेंस पास्ट परफेक्ट में होगा। ये हमेशा याद रखें। अब मैं इस पर सेंटेंस बना के आपको दिखाती हूँ। पहले आप इसको कॉपी कर लें, इस स्ट्रक्चर को। ओके, इस स्ट्रक्चर को मैं एज इट इज रहने देती हूँ और आपको यहाँ सेंटेंस बना के दिखा रही हूँ। मेरे विद्यालय पहुंचने के पहले प्रिंसिपल चले गए थे, प्रधानाध्यापक चले गए थे। कौन काम पहले हुआ? प्रधानाध्यापक चले गए थे, ये काम पर पहले हुआ। ये पास्ट परफेक्ट है। देखिए पास्ट का पास्ट ही पास्ट परफेक्ट है, पास्ट में जो है उसके पहले का काम पास्ट परफेक्ट है। बस ये ध्यान में रखिए कि पास्ट परफेक्ट कौन सा सेंटेंस है, क्योंकि आप जब पहुंचे उसके पहले ही प्रधानाध्यापक चले गए, तो ये पास्ट परफेक्ट हुआ और ये पहला जो रेस्ट ऑफ द सेंटेंस हुआ वो पास्ट इंडेफिनिट हुआ। ओके, अब के पहले एक वर्ड है, इससे इस स्ट्रक्चर से आपको इसको जोड़ देना है।
तो जो काम पहले हुआ है आप उसको पहले बना लें, लेकिन पास्ट परफेक्ट में बनाएं। तो प्रिंसिपल आप पहले बनाएं, प्रधानाध्यापक चले गए, प्रिंसिपल हैड गॉन बिफोर आई रिस्ट स्कूल। आप चाहें तो इस सेंटेंस को रिवर्स भी कर सकते हैं, रिवर्स करके आप बना सकते हैं, बिफोर आई रिस्ट स्कूल, ये आप शुरू में भी रख सकते हैं। और कंपटीशन में ज्यादातर क्वेश्चन ऐसे रहता है, बच्चे कंफ्यूज्ड करते हैं, कंफ्यूज्ड रहते हैं और उल्टा जो है हेल्पिंग वर्ब को यूज कर लेते हैं। बिफोर आई रिस्ट स्कूल प्रिंसिपल हैड गॉन, आप इसको ऐसे भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, देयर इज नो प्रॉब्लम। बस आपको ध्यान में रहना है कि बिफोर से जो सेंटेंस कनेक्टेड होगा वो पास्ट इंडेफिनिट में होगा ऑलवेज। और ये जो होगा वो पास्ट परफेक्ट में होगा। समझ में आई बात? बस आप किसी तरह से, अब ये अलग सेंटेंस हुआ, ये अलग हुआ, तो आप ध्यान रखें कि ये बिफोर से कनेक्टेड है, इसलिए यहाँ पे अगर आपको फीलिंग द ब्लैंक्स आए या फिर स्लैशिंग में एरर्स हो कि कहीं ऐसा आई हैड रिस्ड स्कूल कर दिया तो ये एरर में आपको जाएगा। तो कंपटीशन में इस बात का, इस स्ट्रक्चर का विशेष ख्याल रखें क्योंकि अक्सर इस पर सेंटेंसेस बेस्ड होते हैं। ओके, अब हम आते हैं इसी सेंटेंस को, मैं देखो आफ्टर पे बेस्ड कर देती हूँ। मैं इसको मिटा देती हूँ, आप पहले कॉपी कर लो इसको। ओके, प्रधानाध्यापक के जाने के बाद अध्यापक के जाने के बाद मैं विद्यालय पहुंचा। देखो ये सेंटेंस सेम सेंटेंस है, उसमें था कि मेरे पहुंचने के पहले प्रधानाध्यापक चले गए थे, यानी प्रधानाध्यापक के जाने के बाद आप विद्यालय पहुंचे। बात दोनों सेम है पर बोलने का क्या है, वे जो है डिफरेंट है, द वे ऑफ स्पीकिंग इज डिफरेंट हियर बट सेंटेंस इज सेम। तो आप इसको हाउ कैन यू मेक द सेंटेंस, आप देखो कैसे बनाओगे। ये के बाद आफ्टर पे बेस्ड है। आपको मैंने स्ट्रक्चर में दिया कि पहले पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस बनाए, उसके बाद जो है पास्ट परफेक्ट का, क्योंकि आफ्टर के साथ जो सेंटेंस जुड़ा हुआ है वो पास्ट परफेक्ट का है। तो पहले आप तो पहले पहचान ले कि कौन काम पहले हुआ है। तो आप पहले कह रहे प्रधानाध्यापक के जाने के, यानी प्रधानाध्यापक पहले चले गए मैं बाद में पहुंचा हूं, है ना। तो आप जो है पहले इस सेंटेंस को बना ले, जो बाद में काम हुआ है उसको आप पहले बना ले इसमें। आई रिस्ट द स्कूल आफ्टर
द प्रिंसिपल। Had gone. अब आप देखिए after के साथ जो सेंटेंस जुड़ा हुआ है वो past perfect में है। आप देखिए after the principal had gone, सेंटेंस सेम है, बस वो after से जुड़ा हुआ है, वो before से जुड़ा हुआ है। तो इस तरह से आप जो है वो सेंटेंस मेकिंग करें after और before पर। मैं एक एग्जाम्पल और भी बना के बता दे रही हूँ, इसको मैं इरेज कर देती हूँ ताकि आप सेंटेंस को समझ सके। आप इसको नोट डाउन कर लें। ओके, अब मैं एक सेंटेंस बनाती हूँ। मेरे स्टेशन पहुंचने के पहले, ये सेंटेंस बार बार आप जूनियर सेक्शन में भी पढ़े हैं, पहुंचने के पहले गाड़ी खुल गई थी। और दूसरा सेंटेंस है, गाड़ी के खुलने के बाद मैं स्टेशन पहुंचा। मैं स्टेशन पहुंचा। दोनों सेंटेंस सेम है, दोनों में कोई फर्क नहीं है, बस बोलने का तरीका अलग है, वे ऑफ स्पीकिंग अलग है, अदरवाइज दोनों सेंटेंस। अब ये बिफोर से लिंक है, ये आफ्टर से लिंक है। अब इसमें बिफोर में जो काम पहले हुआ है उसको बनाइए, आफ्टर में भी जो काम पहले हो गया है उसको बनाइए। बस अंतर दोनों में यही है कि आप देखिए कि कौन सा काम पहले हुआ है बिफोर में। गाड़ी खुल गई थी, ये किस टेंस में है? पास्ट परफेक्ट में। द ट्रेन हैड स्टार्टेड, बिफोर आई रिस्ट द स्टेशन। अब इसमें कौन काम बाद में हुआ है? मैं स्टेशन पहुंचा। इसको आप क्या करिए, यही सेंटेंस बस रिवर्स हो जाता है। आई रिस्ट, मैं यही बताने के लिए आपको इस सेंटेंस को एक जगह असेंबल की हुई। I reached the station after the train had started. बस इसमें भी आप क्या है, आप खुलने के बाद, गाड़ी पहले खुली है, इसमें भी गाड़ी पहले खुली है, बस बोलने का वे अंतर है। तो आप इसको कॉपी कर लें। ये आपका होमवर्क रहा, आप होमवर्क बना के आइएगा, नेक्स्ट डे मैं इसको चेक करूंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोस, काइंडली लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब इट। थैंक यू वेरी मच।